हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग हमें कहाँ से मिलते हैं और इनको किस साइज़ के हमें अपने पूजा घर में और अपने घर में स्थापित इनको करना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होते हैं वो हमें नर्मदा नदी से प्राप्त होते हैं। नर्मदा नदी के अलावा ये और कहीं भी नहीं मिलते हैं, ओनली ये नर्मदा नदी से ही मिलते हैं। ये इस तरीके से होते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये सभी जो है ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये जो इन पर डिज़ाइन और ये पेंट होता है बिल्कुल नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। ये कोई हाथ से किया हुआ पेंट नहीं है। ये बहुत ही सुंदर और बिल्कुल प्रॉपर शेप में शिवलिंग नदी से मिलते हैं। इस तरीके से इन पर डिज़ाइन आती है। अलग अलग एक ही सेम डिज़ाइन ही अलग अलग प्रिंट साइन पर बना होता है। और ये एक बहुत छोटे से लेकर बड़े बहुत बड़े बड़े शिवलिंग आपको नर्मदा नदी से प्राप्त हो जाएंगे। खासकर मंदिरों में तो बड़े बड़े शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमें घर में जो शिवलिंग रखने चाहिए वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखने चाहिए। एक दो इंच से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 इंच तक के शिवलिंग हमें अपने घर में स्थापित करने चाहिए। 6 इंच से ज़्यादा बड़े शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। ये जो साइज है ये 2-2.5-3 इंच तक के साइज हैं ये सभी शिवलिंग के। ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं अपने घर में शिवलिंग को स्थापित करने के लिए। और हमें अपने अंगूठे के बराबर के ही शिवलिंग अपने घर में रखने चाहिए। जैसे ये जो मेरा अंगूठा है ये शिवलिंग बिल्कुल इसी साइज़ में है। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है अपने घर में रखने के लिए। इस तरीके से आप एक पीतल का स्टैंड ले लें और उन पर इनको ऐसे रख दें। इस तरीके से और इन पर डेली जल चढ़ाएं। और एक पीतल की तिपाही भी आती है इस तरीके से, उस पर 3 पैर वाली तिपाही होती है और उस पर कलश आता है छोटा सा, उसमें जल भर दें तो आप दिन भर उसमें से बूंद टपकती रहती है। जो कहते हैं कि शिवलिंग को हमेशा ठंडा रखना चाहिए, उन पर जल चढ़ते रहना चाहिए, तो शिवलिंग में से जो एनर्जी निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो हमेशा अच्छी आपके घर के लिए रहेगी। तो इनको हम डेली जल चढ़ाना चाहिए, उनको सूखा नहीं रखना चाहिए। एक छोटा सा कलश भी इनके ऊपर लटका सकते हैं और उनसे बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा। तो आपको ये किस तरह, आपको ये कैसे लगे जो मैंने आपको ये वीडियो में दिखाए हैं सभी नर्मदेश्वर शिवलिंग? और आपको किसी और भी तरह के शिवलिंग या पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।